हम आगे बढ़ते हैं और जोशीमठ की बात करते हैं, जहां जोशीमठ दैवीय आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जोशीमठ दैवीय आपदा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जिस तरह से जोशीमठ को दिखाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि 70% लोग आज भी अपना काम कर रहे हैं, वहां की दुकानें खुल रही है, सरकार विस्थापितों के लिए हर संभव काम कर रही है। ये समय राजनीति करने का समय नहीं है और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं, अपने सर्वेक्षण कर रहे हैं। भारत सरकार की सारी टीमें लगी हुई है, NDMA की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आगे पुनर्वास की योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहाँ पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई है, वहाँ का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। और रामानुज हमारे साथ उस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बने, रामानुज का हम रुक कर लेते हैं। रामानुज, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो बेहतर नहीं है। काम हो रहा है 70% जनता का वहां पर, जैसे आम रूटीन में होता है, लेकिन बाकी जो जनता है जो इतराजती झेल रही है उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। और शिल्पा, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री का बड़ा बयान भी है और खासतौर से जो विपक्षी दल हैं उनके लिए एक बड़ी हिदायत भी है कि जिस तरह से जोशीमठ की आपदा को लेकर सियासत हुई है, ऐसे में आपको बता दें कि जोशीमठ में 9 वार्ड हैं और ये बताया गया सरकार की तरफ से कि 25% लोग ही और एरिया प्रभावित हुआ है, तो ऐसे में तकरीबन 70-75% जो लोग हैं वो स्थानीय, वो अपना काम काज कर रहे हैं, दुकानें खुल रही, आवागमन चल रहा है। लेकिन जो विस्थापित लोग हैं, जिसमें 278 परिवार हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में विस्थापित किया गया, उनके जो बुनियादी जरूरतें हैं रहने के, खाने के, पीने के इंतजाम करने की, वो सरकार कर रही है। और चूंकि मुख्यमंत्री का ये आज का जो बयान है वो बड़ा इसलिए भी है कि आने वाले 2 महीने के बाद प्रदेश में एक बार फिर से 4 धाम की यात्रा शुरू होगी और चाहे वो केदारनाथ हो या बद्रीनाथ धाम हो, यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। तो इस तरह का जो मैसेज जा रहा था वो सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि स्थानीय लोगों के विस्थापन और उनकी जो बुनियादी जरूरतें उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन पूरे जोशीमठ को इस तरह से ना पेश किया जाए कि पूरे जोशीमठ को प्रभावित दिखाया जाए, क्योंकि उसी से यात्रा होकर के बद्रीनाथ धाम के लिए जाती है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो निर्धारित यात्रा का रूट तैयार किया गया है या यात्रा शुरू होगी वो अपने तारीख पर ही चलेगी, इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होगा। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 4 धाम यात्रा निर्धारित वक्त पर ही चलेगी, मुख्यमंत्री ने इसको बयान दिया है और बताया भी है। साथ में स्थानीय लोगों के लिए उन्होंने जरूर कहा कि उनके जो विस्थापन की बात है, पुनर्वास की बात है, उसको लेकर के 8 अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, जिसमें IIT रुड़की भी है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, CBRI है, ये तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्वास का भी नीति बनाई जाएगी, लोगों को पुनर्स्थापित किया जाएगा उन इलाकों में जहाँ पर फिलहाल निर्धारित एक स्थान चुना गया है, जिसमें पीपल कोटी भी है, कोटी भी है। और साथ में इसी तरह से जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, आखिर में बता दें कि वहां भी विस्थापित किए जाएंगे गैर शरण के इलाके में। तो इस तरह का पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लगातार चल रहा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपर मार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।